हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैलिना सीसा, ऑप्शन बी बोनाइट कॉपर, ऑप्शन सी सेनेबार निकेल, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेनेबार निकेल। हमारा अगला प्रश्न है, जिन खाद्य पदार्थ में स्टार्च होता है वे खालिश स्थान के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी लाल लिटमस, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी नीले लिटमस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आयोडीन। हमारा अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैस निकलती है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर चेंजिंग टू एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू, यह खालिश स्थान अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपोपचयन, ऑप्शन बी निष्प्रभावीकरण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विस्थापन। हमारा अगला प्रश्न है, सी टू एच फाइव ओ एच खालिश स्थान का रासायनिक सूत्र है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी मिथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एथेनॉल। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम को खालिश स्थान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम फास्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 173 के, ऑप्शन बी 215 के, ऑप्शन सी 115 के, ऑप्शन डी 373 के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 373 के। हमारा अगला प्रश्न है, अवोगाड्रो की संख्या 6.022 गुणित खालिश स्थान है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10^25, ऑप्शन बी 10^23, ऑप्शन सी 10^22, ऑप्शन डी 10^24। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10^23। हमारा अगला प्रश्न है, हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 118, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 124। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 118। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी परमाणु का आकार, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परमाणु का आकार। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6। हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम और खालिश स्थान से बना मिश्र धातु है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी निकल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चांदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होती है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी जल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जल। हमारा अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन खालिश स्थान का एक उदाहरण है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी नियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी एच ई, ऑप्शन सी एम जी, ऑप्शन डी सी ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एन जी। हमारा अगला प्रश्न है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिग आयरन का उत्पादन, ऑप्शन बी इस्पात को आकार देना, ऑप्शन सी तरल इस्पात का उत्पादन, ऑप्शन डी है ब्लास्ट फार्नेस में चूना पत्थर कोक और लोहा को गर्म करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्पात को आकार देना। हमारा अगला प्रश्न है, खालिश स्थान एथेनॉल एसिड का रासायनिक सूत्र है?
हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए CH2COOH, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी CH3OH, ऑप्शन डी CH2OH। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CH3COOH। हमारा अगला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए टेल्यूरियम, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी पोलोनियम, ऑप्शन डी जेनान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जेनान। हमारा अगला प्रश्न है, जब मेडलिफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 93। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 63।